हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो के अंदर रिएक्ट कर रहा हूं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं मैं, हुमेरा बाइकर स्टोरी फ्रॉम पाकिस्तान लाहौर से। ये लड़की है जो स्टंट भी करती है, बाइक भी चलाती है, एंड इनके बारे में जानेंगे, देखेंगे इनके स्टंट वगैरह थोड़े से। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बाकी बात हम बाद में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। हमारे साथ मौजूद है चलती बाइक बाइकर जो के बाइक में खतरनाक स्टंट करती है, चलती हुई बाइक से उतर भी जाती है और बाइक को चलाते वक्त टांगे उठाई हो जाती हैं और लेट भी जाती है एक साइड पे, अपनी लेग्स करके खतरनाक स्टंट करती है, देखने वाले परेशान हो जाते हैं। रंजिया कर ले तू हीला का दा, ओ पीछे से आ रही है वो लड़की, मेरा बाइकर टूट पेंदी बाइक को काके काके तेरी लूमड़ी मासूम बन गई, पक्की पक्की लूमड़ी मासूम बन गई, मैनू दाए मामला खराब लगदा कई बारी चीज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट कागा रिपोर्टर और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं आज हुमेरा बाइकर जो कि बाइक पे खतरनाक स्टंट करती हैं, चलती हुई बाइक से उतर भी जाती हैं, तैयारी के साथ आई है मैडम, वहां पे खड़ी भी हो जाती हैं और लेट भी जाती हैं एक साइड पे, अपनी लेग्स करके खतरनाक स्टंट करती हैं, देखने वाले परेशान हो जाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि लड़की होकर इतने खतरनाक स्टंट कैसे करती हैं, आइए मेरे साथ। हुमेरा, लड़की होकर लड़कों से भी ज़्यादा खतरनाक स्टंट करती हैं आप, ये आपको बाइक का शौक कहाँ से पड़ा है? बाइक का शौक मुझे बचपन से ही था, तो जो स्टंट है वो मैं अभी ऐसे ही बस कर रही हूँ, चलते चलते कर रही हूँ, लेकिन बाइक का शौक है सिर्फ स्टंट का नहीं था, तो स्टंट अभी से किए हैं तो वो बस चलते जा रहे हैं। अच्छा, तो जब आप स्टंट करती हैं मतलब डर नहीं लगता बिना किसी चीज़ के? नहीं, स्टंट करते हुए अभी तक तो चोट नहीं लगी। तो ये आपने सीखा कहाँ से था, किसी से सीखा या खुद ही ट्राई करके आप करती रही? स्टंट मैंने किसी से नहीं सीखा, ये स्टंट मैं बस खुद से ही कर रही हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रही, जब मैं बाइक चला रही होती हूँ तो बस वो चलते चलते बाइक पे वो मेरे माइंड में जो स्टंट आ रहा होता है वो मैं कर रही हूँ। माइंड में जो आ रहा होता है। तो आप ये वायरल कैसे हुई है? ये मैंने स्टंट किए थे दो, जिसकी वजह से बस लोगों ने मुझे पसंद किया, उनको वो स्टंट पसंद आ गए शायद, तो इसलिए फिर वायरल हो गई। बाइक पे आप कितना सफ़र कर चुकी हैं ज़्यादा से ज़्यादा? बाइक पे अभी इतना ज़्यादा सफ़र तो नहीं, वो ज़्यादा सफ़र आप उसको कहते हैं जब हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, तो उधर मेरा अभी पहला टूर है, अभी ये मैं नारान में जाना है, तो ये कुछ दिनों तक जा रही हूँ, ये बस वहाँ पे ना रास्ते बंद है जिसकी वजह से भी रुकी हुई हूँ, जैसे ही वो खुल जाएंगे तो फिर मैंने जाना है। उसके अलावा मैं ये सिटीज़ में जा रही हूँ, मुख्तलिफ़ सिटीज़ में, ये साईवाल उकाड़ा इस तरह, मतलब किसी भी दोस्त के पास जाना हो या कहीं भी सिटीज़ वगैरह में जा रही हूँ, तो ज़्यादा मैंने अभी इतना लंबा सफ़र जो था वो मेरा पहला भी होने जा रहा है। अगर आपको मौका मिलता है, देखिए यार कैसे कर रही है यार, तो पाकिस्तान के लिए क्या कर, डर नहीं है इसको? पाकिस्तान के लिए जो ये बाइक है ना, ये मैं लड़की हूँ तो मैं चाहती हूँ कि सारी लड़कियों को ये बाइक आनी चाहिए, ये सीखे, तो ये मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से या कोई भी मुझे एक अदारा बना दे जिसमें मैं लड़कियों को ये बाइक सिखाऊँ, गाड़ी भी सिखा दूँ, लेकिन ज़्यादा ये मेरा बाइक का ही होगा, जो सीखना चाहती हैं तो उनके लिए मैं ये अदारा बनाना चाहूँगी। हमने देखा है कभी ऐसा नहीं हुआ पीछे उतर जाती हो, आपको गुस्सा आया तो अल्लाह फट मैच नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वो ऐसा उसको आएगी तो फिर ही है ना, वो तो गिरी पड़ी होगी, उतर के भाग जाओ। आपने बताया कि आप पहले बाइक चलाती थी, अचानक आपके माइंड में कोई चीज़ आई और आपने स्टंट करने स्टार्ट कर दिए, इसके पीछे स्टोरी क्या है, क्योंकि कहानी होती है हर चीज़ के पीछे? वो शायद मैंने मार्शल आर्ट किया, मैं कराटे सीखे हैं, तो शायद इसलिए वो बाइक पे चलते जाते लेग ऊपर कर ली या कोई भी स्टंट जो कर रही हूँ, तो वो मेरे ख्याल में ये मार्शल आर्ट है, उसमें सारी किक्स वगैरह होती हैं, तो उससे रिलेटेड ये स्टंट वगैरह भी हो रहे हैं, तो शायद वो इसी वजह से हो रहे हैं, तो बाकी वो मेरे माइंड की बात है, वो मैं अपने माइंड से जो कर रही हूँ कर रही हूँ, बस वो मैं प्लान नहीं कर रही पहले से कि मैं स्टंट करना है, जैसे अभी आप लोग आए हैं तो शायद मैंने प्लान किया वैसा कुछ नहीं है, अभी मैं अगर जो स्टंट अभी करूँगी तो वो मैं अपने माइंड से करूँगी, जो भी आता जाएगा वो मैं करती जाऊँगी। तो कभी आपने मार्शल आर्ट इसके ऊपर बैठते हुए किया? लड़कियां भी काफी डेयरिंग है यार पाकिस्तान में। मुक्का नहीं, मैंने किक मारी थी एक दफ़ा। अच्छा। लेकिन वो मैं खुद पैदल थी, बाइक पे नहीं थी। अच्छा। और साथ लड़का बाइक पे जा रहा था, तो उसको मैंने ये तब मैंने मार्शल आर्ट नहीं सीखी थी तब की बात है, तो शायद तब से मेरे माइंड में ये आया हो कि मैं मार्शल आर्ट करूँ, वो मैंने लड़के को किक मारी है तो जो ये शीशा था ना इधर जाकर लगी है, तो ये टूटा है, उसको लड़के को नहीं लगी लेकिन ये टूटा था, तो वहाँ से फिर किक शायद वो हो गई खतरनाक हो गई,
उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ये मेरी किक लगी है तो ये मिरर भी टूटा है, तो मैं थोड़ा माइंड भी मेरा वैसा था, क्यों ना मैं फिर मार्शल आर्ट सीखूँ। वहाँ पे एक टीचर भी आते थे, उनको मैं देखती थी बच्चों को सिखा रहे हैं, तो मेरे माइंड में आया मैं कि चलो मैं सीखती हूँ। तो वहाँ से सीखती सीखती फिर मैंने आज वो मेरे मुकम्मल हो गए हैं, मैंने ब्लैक बेल्ट तक सीख लिए हैं। तो बाइक का भी साथ चल रहा था, शौक था, वो बचपन में चला रही थी लेकिन इतनी नहीं चलाई, तब सीख ली थी, मतलब सीख ली, उसके बाद बीच में स्टॉप किया था। फिर मैंने जैसे ही मेरी स्टडी वगैरह कम्प्लीट हुई, मार्शल आर्ट की है, जो मार्शल आर्ट की क्लासेस लेने जाती थी मैं बाइक पे ही जाती थी, तो उसके बाद वो कंप्लीट हुए तो उसके बाद फिर मैंने ये अभी स्टंट करने स्टार्ट किए हैं। तो अभी देखें क्या होता है, अभी स्टंट जो है वो मेरे अभी खुद से करी जा रही हूँ, वो उसके जो किक्के शिक्के कर रहे हैं उधर वो किक्कों से ही करी जा रही हूँ। अच्छा, जो अभी हो रहे हैं मिक्स हो के आ रही हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप काफ़ी साल से बाइक चला रही हैं, हमारे माशरे में लड़की का बाइक चलाना ऐसे बजाय एक लड़के के बड़ा मुश्किल होता है, आपको क्या क्या चीज़ें फेस करना पड़ी? चीज़ें तो बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, रास्ते में जा रहे हो तो लड़के कोई कुछ ना कुछ कह देते हैं, तो अब लड़की होके अब खुद को भी मुझे ये जब मैं रोड पे निकलूंगी वो भी बाइक लड़कियों के लिए, लोग कहते हैं लड़कियों के लिए बाइक नहीं है, ये लड़कों के लिए, जब मैं लड़की होकर बाइक चलाऊंगी तो लोगों ने तो कहना है कुछ ना कुछ तो कहेंगे कि लड़की होके लड़का बनी हुई है या लड़कों की तरह बाइक चला रही है। तो इसलिए मैंने अपने माइंड को पहले से ही ये मतलब माइंड में ये बात बिठा ली है कि जब मैंने रोड पे निकलना है तो लोगों की बातों पे नहीं आना, उनकी तरफ नहीं देखना, कोई जो मर्जी कहता रहे अपने ध्यान में जाना। हाँ, वो देखता हुआ जा रहा है, अभी देखा मैंने इसमें, पहले कलर और था अब और है, इसके पीछे क्या राज है? वो मुझे ना बाइक को चेंज करने का, मॉडिफाई करने का मतलब शौक है, अच्छी अच्छी मतलब मॉडिफाई करवाऊँ, तो इसलिए मैं बाइक के कलर वगैरह चेंज करवाती रहती हूँ। तो आगे 14 अगस्त आ रही है, हरा करा लो। हाँ, तो देखूंगी है वो तो उससे दो दिन पहले देखूंगी कि क्या करना है, तो हरा तो नहीं लेकिन फ्लैग जरूर लगाऊंगी पाकिस्तान का, फ्लैग लगा के तो मेरी वीडियो देखेंगे वो, मेरा बाइकर जो फ्लैग लगा के 14 अगस्त में निकली है। आपके दोस्त जो हैं जिनकी आपके साथ लगती है या कोई बॉयज वैसे हैं वो तो आपसे डरते होंगे यार? डरते होंगे, कुछ ना खा रहे। हाँ, सच में यार, एक तो बाइकर है, स्ट्रांग गर्ल है यार। नहीं, दोस्तों के साथ मार्शल आर्ट सीखी तो प्यार ही है सबसे, तो वो कराटे शराटे जो होते हैं वो अपनी सेफ्टी के लिए होते हैं, दूसरों के लिए तो नहीं ना, कि अब राह चलते किसी को मार लो आप, वो कभी होता है कि दूसरा अपने, मुझे ये था कि अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना, मैंने इसलिए वो कराटे भी सीखी है, मैंने कहा मैं इंटरनेशनल खेलूँगी, नेशनल खेलूँगी तो मेडल लूँगी, इसलिए मुझे ये था कि उसके बाद फिर वो आगे आगे शौक बढ़ते गए, अभी उसके बाद वो पूरे हुए तो अभी ये बाइक पे आई हूँ, इधर से स्टंट निकल रहे हैं। तो देखें जी, मेरा आपका टैलेंट आपको मीडिया तक तो ले आया है, आप अपनी अगली मंजिल क्या देख रही हैं, क्या आपके टारगेट्स हैं? अगली मेरी मंजिल यही है, मैं मतलब लोगों को यही कह रही हूँ कि मुझे मतलब के लोगों की खिदमत के लिए मैं करना चाहती हूँ, और मैं लड़कियों की सबसे ज़्यादा, मैं लड़की हूँ तो इसलिए फिर मैं लड़कियों के लिए ज़्यादा चाहूँगी, तो उनके लिए मैंने पहले भी कह दिया कि मुझे अगर किसी ने सपोर्ट की तो मैं ये अपने लड़कियों को बाइक सिखाना चाहती हूँ, जो सीखना चाहती है। उसके अलावा जो लड़की अगर बाइक चला रही है, अगर वो मतलब कि अच्छी बाइकर है तो वो आए बाहर आए, मतलब मेरे साथ आए, अगर मुकाबला करना है तो आ जाए, मैं वो भी कह रही हूँ, तो अगर किसी ने सीखनी है मैं सिखाने के लिए भी तैयार हूँ, मैंने मतलब कि कोई मेरे पास आना चाहती है आ जाए, किसी के पास मैं अगर जाके सिखा सकती हूँ। तो ये थी हुमैरा द स्ट्रॉन्ग गर्ल ऑफ लाहौर, बहुत ही वाकई में मेंटली भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग है, मार्शल आर्ट सीखी हुई है, बाइक पर स्टंट करती हैं, टांगे उठाना और आगे पैर रख लेना, एक साइड में बैठ जाना, एंड यार ज़बरदस्त था, माइंड ब्लोइंग लड़की है, जबकि इन्होंने कुछ सीखा नहीं है, कुछ किया नहीं है, कुछ भी मतलब आज बोल रही थी जो अंदर से आता है वो ही मैं कर देती हूँ, तो वैसा कुछ सीन है, एंड लोग इनको देखकर भी जा रहे थे, मैंने इनको देखा था, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन नहीं यार, बाइक चलाओ, मज़े करो, और इनकी सोच भी सही है यार कि हाँ मैं लड़की हूँ तो लड़की के दायरे में जितना कर सकती हूँ उतना करना चाहिए, मतलब उतना करती हूँ, तो वो सही सोच, सेंसिबल लड़की मुझे नज़र आई इनके अंदर, स्ट्रॉन्ग लड़की नज़र आई जो खुद के बलबूते पर कुछ कर सकती है, और इनको सपोर्ट मिले तो और भी लड़कियों के लिए कुछ काम कर सकती हैं ये, तो बढ़िया स्टोरी थी इनकी, जर्नी कहाँ से कहाँ पहुँची, ऐसे ही चलते चलते बाइक ले ली उन्होंने, एंड मार्शल आर्ट सीखते सीखते स्टंट पर आ गई, तो बढ़िया अनएक्सपेक्टेड वाली लाइफ है इनकी, कि कल आज कुछ है तो कल कुछ और हो जाना और बढ़िया मकाम पर पहुंच जाना, तो ऐसे टैलेंट और ऐसे स्ट्रॉन्ग लोगों को, खास करके स्ट्रॉन्ग लड़कियों को देखकर बढ़िया लगता है कि हाँ वो अपने दम पर खड़ी भी हैं एंड स्ट्रॉन्ग हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दायरों से बाहर निकल जाएं, अपने लिमिट से बाहर निकल जाएं, लेकिन स्ट्रॉन्ग हो
तो ऐसी वो लड़की जैसी ये लड़की है। हुमैरा बहुत ही ज़बरदस्त लड़की थी, सेंसिबल लड़की थी, एंड इनके स्टंट तो वाकई में यार हैरान कर देने वाले थे। लोग देखते होंगे रोड पर जब निकलती होंगी, तो आप बड़े बड़े टूर भी करने वाली हैं, मीडिया में फेमस हो गई हैं। आया ऐसी टैलेंटेड लड़की को देखकर, आई होप कि इनका फ्यूचर बढ़िया हो, ब्राइट हो, और भी लोगों को इंस्पायर करें, ना कि स्टंट के लिए बल्कि बाइकिंग के लिए, बाइक चलाने के लिए। तो कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा ये हमारा वीडियो। पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।